क्वेश्चन ये है कि ब्रिज कैसे बनाया जाए। अगर ब्रिज बनाना है तो उसका अर्थ है कि हमें कुछ कंटिन्यूटी चाहिए। यदि कंटिन्यूटी चाहिए तो उसका अर्थ है कि मुझे उस एरिया में काम करना पड़ेगा जो कंटिन्यू होने वाला है। ये शरीर में तो आपने कुछ भी कर लिया, वो कंटिन्यू नहीं होने वाला है अगले भव में, क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाएगा और आत्मा एक नए शरीर को धारण कर लेगा। तो जो कुछ मुझे करना है वो अपनी आत्मा में करना है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कि आत्मा में मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि आत्मा में जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है वो है ज्ञान। और ये ज्ञान में एक स्पेशलिटी होती है कि इस ज्ञान में जो बात बहुत गहराई से बैठ जाती है वो इस भव से लेके नेक्स्ट भव तक कंटिन्यू होती है। अब ज्ञान में किसी विषय वस्तु को अगर बैठाना है तो वो विषय वस्तु है जिसको इस ज्ञान ने आज तक नहीं जाना, क्योंकि अनादिकाल से तो मैंने बहुत कुछ जान लिया है, बहुत बार जान लिया है, बहुत टाइप की वस्तुओं को जान लिया है, लेकिन वो ज्ञान मेरे आज तक काम नहीं आ पाया क्योंकि मैं सुखी नहीं हुआ ना, मैं अभी तक इस संसार के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। तो वो कौन सी वस्तु है जिसको मैं जान लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, कि वो वस्तु है अपने आत्मा का ज्ञान, वो वस्तु है अपने आत्मा का श्रद्धान। एक बार ये कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाए कि ये ज्ञान स्वभावी जो है वही मैं हूं, तो ये कन्विक्शन, ये ज्ञान और ये श्रद्धान, ये एक भव से दूसरे भव तक कंटिन्यू होता है। जो व्यक्ति एक बार भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है उसके अनंत भव नहीं होते संसार में, उसके भव नंबर्ड हो जाते हैं, उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है, उसके मोक्ष का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो यदि मुझे अपने मोक्ष का काउंटडाउन शुरू करना है तो मुझे कंफर्म रिजर्वेशन करना है, और कंफर्म रिजर्वेशन तब होगा जब आत्मा की अनुभूति होगी। आत्मा की अनुभूति अगर मेरा लक्ष्य बन जाता है तो अब वर्क बैकवर्ड्स करते हैं हम, कि आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है, कि जिस चीज का अनुभव करना है पहले उसे तुम्हें फैमिलियर होना पड़ेगा, जिस चीज से फैमिलियर होना है पहले तुम्हें उसका ज्ञान करना पड़ेगा, और जिस चीज का ज्ञान करना है उसका तुम्हें अपने उपयोग का विषय बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट नंबर वन, मेरा थियोरिटिकल नॉलेज राइट होनी चाहिए। अगर थियोरिटिकल नॉलेज राइट होनी है तो उसके लिए पहले मुझे डेटा एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा, डेटा गैदरिंग करना पड़ेगा। तो पहले मैं अपने आत्मा के स्वरूप के बारे में इनफ डेटा गैदर तो कर लूं, समझ तो जाऊं कि मेरा स्वरूप एक्चुअली में क्या है, जिसका मुझे श्रद्धान करना है उसका ज्ञान तो पहले राइट होना चाहिए। थियोरिटिकल नॉलेज तो इंटैक्ट और साउंड होनी चाहिए, अब वो थ्योरेटिकल नॉलेज अगर इंटैक्ट और साउंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास अभी जो माध्यम है वो है स्वाध्याय का। स्वाध्याय पांच प्रकार का होता है, पढ़ना भी स्वाध्याय है, शास्त्रों को पढ़ना, वीतरागता की वाणी जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का स्वरूप समझाती है उसको पढ़ना भी स्वाध्याय है, उसको सुनना भी स्वाध्याय है, प्रवचनों को सुनना, ज्ञानियों की बात सुनना, जो ये भगवान महावीर की वाणी को सुनाते हैं उन वचनों को सुनना, ये भी स्वाध्याय का एक रूप है। उसको सुनकर समझकर काउंटर क्वेश्चन करना इस भावना से कि मैं इस बात को समझूं, ये पूछना भी एक स्वाध्याय का फॉर्म है, ये क्वेश्चंस करना भी एक स्वाध्याय का फॉर्म है। अगर मैंने कोई बात को समझ लिया है तो उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, चिंतन करना, मनन करना, ये भी स्वाध्याय का एक फॉर्म है, और ये मेरे दिमाग में उन इंप्रेशंस को फॉर्म करता है, परमानेंट करता है। जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, उस बात के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ, उसके सारे पक्ष को समझने की कोशिश करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ,
और जो मुझे अपने लॉजिक में, तर्क में राइट लगता है, और वो अगर हमारे जिनवाणी के वचन से भी रेजोनेट करता है, अफर्म करता है, तो फिर मैं उसको ग्रहण करने के लिए, उसकी रिटेंशन के लिए उसको जब रटता हूँ, बार बार अपने मन में उसको दोहराता हूँ, ये भी एक स्वाध्याय का फॉर्म है। कोई बात समझ में आ जाए और मैं अगर शेयर करता हूँ दूसरों से, उपदेश देता हूँ, वो भी स्वाध्याय का एक फॉर्म है। तो इन सारे स्वाध्याय के फॉर्म्स को, इनको अपने जीवन में हम अपनाकर मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज इस चीज में करने की कोशिश करें कि ये बात मेरे ज्ञान का गे बार बार बने, बार बार बने। बंधन की बात मेरे ज्ञान का गे नहीं बने, मैं कैसे दुखी हूँ ये बात मेरे ज्ञान का गे नहीं बने, मैं कहाँ कहाँ परेशान हो रहा हूँ ये बात मेरे ज्ञान का गे नहीं बने, विषय कषाय की बात मेरे ज्ञान का गे नहीं बने। लेकिन इस सबसे भिन्न ज्ञान और आनंद स्वरूपी जो भगवान आत्मा है, कोई ना कोई बहाने से ये बार बार मेरे ज्ञान का गे बने। ये हमारा दिमाग है ना, ये पत्थर है, और ये जो विचार हैं ये पानी की तरह है। जब एक पत्थर के ऊपर पानी पहली बार गिरता है तो पत्थर गीला होता है, 5 मिनट में सूख जाता है। जब उस पत्थर के ऊपर दूसरी बार पानी गिरता है, यदि कम टाइम के गैप से और जल्दी ही गिरे, तो शायद थोड़ा बहुत गीला रह सकता है पत्थर, टूटता नहीं है वो पानी की धार। उसे ऐसा क्या करना होगा कि ये पत्थर टूट जाए? अनादि काल का मेरा ये जो भ्रम, उसे मैं क्या करूंगा तो ये टूट जाएगा? कि ये मेरे विचार जो हैं, ये मेरा उपयोग जो है, वो पानी की धार है, लगातार उस पत्थर पर पड़ता रहेगा, एक ही डायरेक्शन में, एक ही एंगल से, राइट तरीके से उस पत्थर पर बार बार यदि वार होगा तो ये पत्थर टूट जाएगा। ये भ्रम बुद्धि, ये मान्यता हमारी जो अभी तक मिथ्यात्व रूप थी, वो टूट जाएगी। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव इस भव में वो ब्रिज बनाने के लिए होना चाहिए कि ये हमारे विचार, ये उपयोग, इस पानी की मार बार बार पड़ती रहे, कोई ना कोई बहाने से। मैं तो पूजन पढ़ूं तो भी मैं अध्यात्ममय पढ़ूं, मैं चर्चा करूं तो मैं अध्यात्ममय करूं, मैं मजाक करूं तो भी मैं अपने ऐसे शुद्धात्म द्रव्य को दृष्टि में लेकर करूं। हमारा ह्यूमर भी तो डिफरेंट हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? हर कार्य, सोऊं, जगूं, सपने देखूं तो इसी चीज के देखूं। जिस दिन हमारी ये पानी की धारा, ये उपयोग की धार लगातार हमारे इस भगवान आत्मा के स्वरूप को जानने में लग जाएगी, वो इम्प्रेशंस गहरे होते चले जाएंगे, हमें वो स्पष्ट नज़र आने लग जाएगा जिसको हम देखना चाह रहे हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट में जब आप कंटिन्यूसली बार बार विचार करते हो तो आप उसकी गहराइयों को छू लेते हो। आत्मा भी एक सब्जेक्ट है, उसको हर पर्सपेक्टिव से समझना है, उसके हर पर्सपेक्टिव से उसकी गहराई तक जाना है, तो उसके बारे में इनफ विचार बार बार करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा प्रवचन सार ग्रंथ में भी आता है कि स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए, अनादिकालीन संसारी जीवों के लिए, कोई ना कोई बहाने से, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, वांछना, पृच्छना, मतलब आप किसी भी तरीके से करें, लेकिन ये विषय आपके उपयोग का विषय बार बार बनना चाहिए। और यदि इस भव में मैंने ये इंश्योर कर लिया तो ये इम्प्रेशंस इतने गहरे बन जाएंगे कि सम्यक दर्शन प्राप्ति के बिना भी यदि मैं इस भव में मर गया, जितना ब्रिज बनाया है वो वेस्ट नहीं जाएगा। ये ब्रिज को आप अगले भव में जाके कंप्लीट कर लोगे यदि संस्कार हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होते हैं, हमारे ज्ञान, हमारा विचार, हमारी मान्यता हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होती है, तो अगले जन्म में जाकर भी हम अपने बाकी का अधूरा काम पूरा कर लेंगे। लेकिन ये भव में सिंसियरली वो काम करना होगा तो ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। यदि कचास रह गई तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से स्वाध्याय इज द फाइनल आंसर। स्वाध्याय में भी हमें चूजी होना पड़ेगा कि हमें किस विषय का स्वाध्याय करना है, क्योंकि हर विषय का, धर्म में मैं आकर भी, मैं सिर्फ लौकिक बात नहीं कर रही हूँ, पुण्य भाव को करोगे तो भी कौन सा पुण्य भाव है जिससे कि मुझे आत्मा का स्वरूप क्लियर हो पाएगा,
ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप क्लियर हो रहा है, संसारी आत्मा का नहीं, बंधे हुए आत्मा का नहीं, रागी द्वेषी आत्मा का नहीं, त्रिकाली ध्रुव उस भगवान आत्मा का जो परम शुद्ध निश्चयने का विषय है, जो दृष्टि का विषय है, जिसमें मुझे एकत्व बुद्धि करनी है, जिसमें मुझे ये मानना है कि यही मैं हूं, उस भगवान आत्मा का जब मुझे इनफ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और उसको निरंतरता प्राप्त होगी, कॉन्स्टेंट हैमरिंग होगी, तो वो इम्प्रेशंस पक्के होंगे। तो हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस टॉपिक पे, आत्मा के कौन से विषय पे, परम अध्यात्म का विषय है, इसका ज्ञान हमें निरंतरता से तब तक करना है जब तक कि ये आत्मा मेरे अनुभव का विषय ना बन जाए। ऐसे हमारा ब्रिज बनेगा और आप सभी अपने जीवन में इस ब्रिज को बनाने का कार्य आज ही शुरू करें, प्रण करें अपने आप से। अगर खाना नहीं खाया, दो कपड़े कम पहन लिए, आपके पास 20 की जगह 18 कपड़े रह गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार खाना नहीं खाया तो बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, कोई बात नहीं, एक दो दिन नहीं खाना खाओगे तो मरोगे नहीं, लेकिन अगर ये बात समझे बिना मर गए तो ब्रिज अधूरा रह जाएगा और अपने गुनाहगार हम खुद ही होंगे। जय जय।